गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के दो ध्रुवीयता का अंत द एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था शीत युद्ध का अंत, तो आज हम बात करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग करते हैं बर्नील की दीवार से। तो आपको सभी को पता होना चाहिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कारगर जो देश होता है, जो सबसे ज़्यादा दोषी पाया जाता है, वो होता है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी जब हार जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर तो अमेरिका और सोवियत संघ जर्मनी के बीच में एक दीवार खींचते हैं और पूर्वी जर्मनी होता है USSR का और पश्चिमी जर्मनी होता है अमेरिका का। तो पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन थी। शीत युद्ध का प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 दिसंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया और यह 28 वर्ष तक खड़ी रही तथा यह 150 किलोमीटर लंबी थी। अब हम देखेंगे सोवियत संघ का जन्म। तो 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। ये बोल्शेविक क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। जैसे भारत के अंदर गांधी जी ने बहुत से राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सेम उसी प्रकार सोवियत संघ में भी 1917 में आजादी पाई थी और उन्होंने जो अपनी आंदोलन चलाया या क्रांति चलाई उसे कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। इसके बाद से सोवियत संघ, जिसे आज हम रशिया कहते हैं, उसको USSR कहा जाने लगा। सोवियत प्रणाली। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोवियत प्रणाली एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यह समाजवादी थी। मतलब सब कुछ नियंत्रण इसमें किसका रहेगा? राज्य का, सरकार का। कोई भी निजी नियंत्रण नहीं रहेगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता थी, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना, उन्नत संचार प्रणाली थी, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया था। मिखाइल गोर्बाचोव। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचोव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना व खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार किया। मिखाइल गोर्बाचोव USSR के, मतलब सोवियत संघ के, बहुत ही प्रख्यात नेता थे। इन्होंने पेरेस्त्रोइका, मतलब पुनर्रचना, और ग्लासनोस्त, मतलब खुलापन, एक आर्थिक सुधार लागू किए। सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा 1991 में हुई। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन एवं बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इससे CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना। 15 नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां क्या थी? तो सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया और पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई थी। इसकी निम्नलिखित कमियां थी, मतलब यह पार्टी अपने वजूद पे नहीं टिक पाई, इसलिए इसको हटना पड़ा। जैसे इसकी कमियां थी, कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था असक्षम थी, विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के भी नेता थे जिनको सत्ता से कोई सरोकार नहीं था, पार्टियों के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। स्वतंत्र राज्यों, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा न कर पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बना रहे, लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा था, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना, रूस की प्रमुखता, गोर्बाचोव द्वारा दिए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का आभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। तो सोवियत संघ के विघटन आपने देखा, इसके क्या विशेषताएं थी, सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, अब हम इसके परिणाम जानते हैं। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो जाता है, दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है।
एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय होता है। इससे पहले दुनिया दो ध्रुवीय थी, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ। लेकिन अब सोवियत संघ का जब विघटन का मतलब खत्म हो जाता है, सोवियत संघ वो हार जाता है अमेरिका से कि मैं अब आपसे नहीं लड़ सकता, तो शीत युद्ध की भी समाप्ति हो जाती है और एक ध्रुवीय रह जाता है विश्व जिसमें अमेरिका का वर्चस्व का उदय होता है। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो जाती है, सोवियत खेमे का अंत हो जाता है, 15 नए देशों का उदय होता है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं ताकतवर देशों की सलाहकार बन जाती है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, समाजवादी विचारधारा पर प्रसन्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा का वर्चस्व शुरू हुआ, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। शॉक थेरेपी क्या है ये अभी हम आगे जानेंगे। तो अब देखते हैं कि हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। कहने का अर्थ यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका, आपको पता है शीत युद्ध चल रहा था, दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोचते थे, लेकिन सोवियत संघ ने हथियारों पर ज़्यादा जहाँ ध्यान दिया वहाँ प्रौद्योगिकी को बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो इसलिए सोवियत संघ पिछड़ गया और उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। अब हम जानते हैं शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो जब साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा, तो इसे शॉक थेरेपी कहा गया। अर्थात आप सीधी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर सोवियत संघ को बोला गया कि समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपना लिया जाना चाहिए, इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी? मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया, पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? यह पूर्णतया असफल हुई। रूस का औद्योगिक ढांचा ही चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हुई। जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, अमेरिका की है डॉलर, वैसे ही रूस की मुद्रा या करेंसी कह सकते हैं हम रूबल, उसमें काफ़ी गिरावट आई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हुई, सरकारी रियायत खत्म हो गई और ज़्यादातर लोग गरीब हो गए। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों की ओर देना पड़ा। आर्थिक विषमता बढ़ गई, खाद्यान्न संकट हो गया, माफिया वर्ग का उदय हुआ, अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया, कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ मिली जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र है। इन देशों में भारी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया को दो भागों, चेक और स्लोवाकिया में बांट दिया गया। बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन गणराज्य युगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, जिसमें शामिल बोसानिया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्कन क्षेत्र आप कह सकते हो कि रशिया ने या सोवियत संघ ने जो एक ग्रुप बना रखा था किन्हीं देशों का, उन्हें बाल्कन क्षेत्र कहा जाता था। तो बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, 2004 में नाटो में शामिल हुए। तो इस बीच में हम ये देखते हैं कि मध्य एशिया का क्या रहा। तो मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति रही। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है, इसी कारण यह क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का भी अखाड़ा बन गए। तो हमने देखा आज क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर का समरी पूरा। मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बता दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।